दिल्ली देखी है, ताबी से उठने में अफसरदा दिल्ली देखी है, हमने मेहताब पर भी बर्फ जमी देखी, तुमने देखे नहीं रोते हुए आंसू, हमने रोते हुए होठों पे ऐसी देखी। आज हमारे सामने जो हाल है ना, क्या सुनाएंगे हम, कुछ रह ही नहीं गया हमारे पास में सुनाने के लिए। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, क्या दास्तां किसको सुनाएंगे। ये सिलसिला तो मुद्दतों से चल रहा है, कोई फरियाद, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई राजा, ये सब ऐसे हमारे लिए। मैं सोचता हूँ इसको ख़त्म कर दें, कर दें ख़त्म, इसको कोई जरूरत नहीं। हमने ये सब नाटक बना रखा हमारे लोगों का। आज हमने देश के लिए इतना काम किया है, देश के लिए हमने परफॉर्म, कौन सा मुल्क नहीं है जिसने मैंने परफॉर्म नहीं किया हिंदुस्तान के बारे में। लेकिन आज इस कदर हिंदुस्तान में मेरे गरीब कलाकारों की दुर्दशा, चार किसी कुत्ते की भी नहीं हो सकती। आज हमें इस दलील किया जा रहा है, बुलडोजरों के नीचे हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारी औरतें, हमारे बुजुर्ग सब कुचल दिए गए हैं। आप देखेंगे तब पता लगेगा। ऐसे तो ये मीडिया वीडिया सब ये क्या करेंगे हमारी, मैं तो समझता हूँ कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अपने बारे में बताइए, आप कब से वहाँ रह रहे थे? मैं करीबन 55 साल से ऊपर हूँ मैं, जबकि कॉलोनी में शमशान घाट था, कुछ नहीं था। वहाँ पे एक छोटा सा रेलवे एक फाटक हुआ करता था जब हम लोग कॉलोनी में आए थे, गिनी चुने के लोग थे 10-12 लोग। फिर धीरे धीरे 307 कलाकार आए, वहाँ पे एक संस्था बनी। धीरे धीरे हमने एक एक ईंट उठा करके वहाँ पे छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाई, बना करके धीरे धीरे कॉलोनी हमारी देश विदेशों में कलाकारों की चाहना होने लगी सरकार को, तो हमें शोपीस बना करके अमेरिका लंदन फेस्टिवल 85, अमेरिका फेस्टिवल, स्कॉटलैंड, इटली, बार्सिलोना, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, कहाँ नहीं गए हम लोग। लेकिन आज हमारी जो दुर्दशा की गई है ना, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को शर्मानी चाहिए और इन कलाकारों पे गोला मार देना चाहिए, बम बम मार के ख़त्म कर दो इस कला को। कितने लोग हैं जो बेघर हो गए वहाँ पे अभी? क्या अंदाज़ा बता सकते हैं, करीबन सारे लोग बर्बाद हैं, सारे लोग बर्बाद हैं। जहाँ वो एक कैंप सा बना रखा था वहाँ पे जो ऊपर जो बाथरूम लेटरिन का पानी बह के आता है, लोग गलियों में पड़े हुए हैं, पानी नहीं है, एक 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 कमरे में चार चार फैमिली घुसी हुई है, डंडे वहीं से पुलिस मार रही, वहीं से भगा रहे हैं, किसी को भवाना, किसी को नरेला, जो जाए जहाँ जो जा चाहे भगा रहे हैं। क्योंकि ये तो तानाशाही मुल्क है ना, यहाँ तो सिर्फ तानाशाही राज करते हैं, किसी की अहमियत नहीं है, कोई जनता नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है, सिर्फ तानाशाही है। आप एक तरफ दूसरे मुल्क को तानाशाही बोलते हैं और आपको तानाशाही है यहाँ, यहाँ क्या किसकी वैल्यू है, क्या किसकी इज्जत है, किसकी अहमियत रह गई यहाँ पर। आज गलियों में देखो जा करके, पटेल नगर की गलियों में बच्चे बूढ़े औरतें बाथरूम के ठंडात के बिना, खाने के बिना मोहताज हुए पड़े हैं। इस बारिश के समय में क्या करेंगे, शर्म कीजिए इसको।